एनटीपीसी फरीदाबाद एंड चीफ मिनिस्टर्स गुड गवर्नेंस एसोसिएट्स प्रोग्राम प्रेजेंस बोर्ड रिजल्ट्स इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव विद स्टार टीचर्स ऑफ फरीदाबाद। 10th क्लास का चैप्टर 6 जैव प्रकरण और इसमें ये टॉपिक हम करवा रहे हैं मानवीय दहन। इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन आपके 2-2 मार्क्स में आ जाते हैं। आज हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही सिंपल और आपके लिए बहुत सहायक होंगे, 2 नंबर ले रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हम देखेंगे ये सर्कुलेशन इन ह्यूमन में से है। स्तनधारी व पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा बी ऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है? जैसा कि हमने पहले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं कि हृदय के दायां और बायां भाग सेपरेटेड होता है, उनमें जो प्योर और इम्प्योर ब्लड, प्योर मीन्स ऑक्सीजनित, इम्प्योर मीन्स बी ऑक्सीजनित रुधिर बिल्कुल सेपरेटेड होते हैं, तो इसकी क्या जरूरत पड़ गई हमें इन दोनों वर्ग के जीवों में, स्तनधारी और पक्षियों में? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये इन दोनों वर्ग के जो जीव होते हैं ये इनका जो तापमान होता है वो कॉन्स्टेंट होता है और उच्च तापमान को बनाए रखने के लिए इन्हें बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता की वजह से इन्हें ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है कि इनको उच्च मात्रा में और दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन प्राप्त हो सके, और ये तभी संभव है जब ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर को बिल्कुल अलग रखा जाए। तो हृदय का जो फॉर्मेशन है, हृदय की जो बनावट है, उसमें दायां और बायां भाग का बंटवारा जो है वो इसीलिए किया गया है कि इन दोनों रुधिर को बिल्कुल सेपरेट रखा जाए ताकि ये दोनों रुधिर अलग रहे और ऑक्सीजनित रुधिर जो है वो ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन हमारे शरीर की कोशिकाओं को उपलब्ध करा सके। अब इस चीज को आपने आंसर के पॉइंट में कैसे लिखना है, तो इसमें आपने 2-3 पॉइंट आपने लिखने हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हमने ये डालना है कि स्तनधारी व पक्षियों में उच्च तापमान को बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अभी ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता कैसे पूरी होगी, जब उसे पूरी मात्रा में और जल्दी ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। और इस ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शरीर को उच्च तथा दक्षतापूर्ण, दक्षतापूर्ण का मतलब यही है कि हमें ऐसा रक्त चाहिए जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो, उसकी प्राप्ति होनी चाहिए। और इस चीज को संभव बनाने के लिए क्या किया जाए, और इसी वजह से हृदय के दाएं और बाएं भाग का बंटवारा किया गया है जिससे ऑक्सीजनित व बी ऑक्सीजनित रुधिर को अलग रखा जाए। तो सबसे जो मेन है, आपने सबसे पहले तापमान के बारे में बताना है कि हमें यहाँ पर एक उच्च तापमान बना होता है इनमें, जिसकी लिए उन्हें उच्च और दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन चाहिए और उस ऑक्सीजन के लिए ही दाएं और बाएं भाग को अलग रखा गया है ताकि आपका ऑक्सीजनित व बी ऑक्सीजनित रुधिर जो है वो आपस में कभी भी मिक्स ना हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत आता है 2 नंबर।